तो एक अच्छे मौसम के साथ यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में आपके लिए दिल से दुआएं करूंगा और आज की दुआएं आपके लिए बहुत बड़े रास्ते खोलेगी। तो आज सचमुच में एक मन से मेरे साथ हो और परमेश्वर की आशीषों की बरसात आपके जीवन में आज जरूर और जरूर होगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और सचमुच में ये समय आपके लिए आशीष का समय है, ये समय सचमुच अनुग्रह का समय है, ये समय सचमुच में कृपा का समय है और परमेश्वर की कृपा उसका अनुग्रह आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में उतरने के लिए जा रहा है। और मैं चाहता हूँ आप लोग सब यीशु मसीह के नाम में चंगे हो, आप सब छुटकारों को पाएं, आपके लिए परमेश्वर आज बड़े बड़े मार्ग आशीषों के तैयार करे। हिदा बाला शका लरादा लरा खंदबा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह एक एक को जो मुझे सुन रहा है अपने हाथों में ले ले, इन्हें अपने हाथों में ले, इन्हें आशीषित कर मेरे मालिक, इन्हें आशीषित कर मेरे मालिक। इनकी दुर्बलताएं यीशु मसीह के नाम में जाएं, इनकी कमजोरियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाएं। प्रभु मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु जी, इनके रोग यीशु मसीह के नाम में नष्ट होकर मिट जाए, दुष्ट आत्माएं शराप इनकी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से जाते रहे। और परमेश्वर जो छुटकारे का परमेश्वर है वो इन्हें इसी समय छू ले पवित्र आत्मा के द्वारा, छू ले पवित्र आत्मा के द्वारा, छू छू ले, टच देम ओ गॉड, छू कर एक बड़े अभिषेक को उतार दे। अभिषेक पवित्र आत्मा का उतार जो अभिषेक जुए को तोड़ता है, वो अभिषेक रिलीज करता है यीशु के नाम में। ये अभिषेक आपके ऊपर से गरीबी का जुआ यीशु मसीह के नाम से तोड़ रहा है, ये अभिषेक आपके ऊपर से बीमारी का जुआ तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम से, ये अभिषेक समस्याओं के तकलीफों के जुए को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम से। अभिषेक रिलीज करता है यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर का अभिषेक है जो आपके ऊपर उतर रहा है, ये परमेश्वर का अभिषेक आपको चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, ये परमेश्वर का अभिषेक आपकी दुर्बलताओं को नष्ट कर रहा है, आपकी रसौलियां जा रही यीशु मसीह के नाम से, गिल्टियां जा रही यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर प्रकार का रोग आपके शरीर से नष्ट होकर मिट रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर का अभिषेक है, ये परमेश्वर का अभिषेक है, ये अभिषेक ले ले यीशु मसीह के नाम से। आज से आप बीमार नहीं रहेंगे, आपके ऊपर कर्जा नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से, आप समस्याओं से निकल जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। ईदा बाला शाका लराबा। एक एक को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ ऐ खुदावन, इनकी बीमारियां इसी समय नष्ट होकर मिटे यीशु मसीह के नाम से। किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, प्रभु यीशु मसीह उसके ब्लड प्रेशर को आज इसी समय नॉर्मल कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। ईदा बाला शक्का लराबा। ध्यान से सुने, किसी के दिल में छेद है, प्रभु मुझे दिखा रहा है किसी के दिल में छेद है और प्रभु यीशु मसीह इसी समय विश्वास करे ये छेद आपके हृदय का बंद कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये छेद बंद हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। किसी की कमर का दर्द जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। बरसों से आपकी कमर में दर्द था, यीशु मसीह इसी समय आपको छुटकारा दे रहा दर्द से यीशु मसीह के नाम से। ईदा बाला शाका ला रखा दबा। पूरी बॉडी में दर्द रहता है किसी की, पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा शरीर भारी और दर्द, इसी समय आप छुटकारे को ले रहे हैं। ये दर्द गया आपका यीशु मसीह के नाम से, आप चंगे हो चुके हैं, आपके बॉडी से दर्द चला गया है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। ईदा खाला रखा दबा खदबा लराबा। कोई गांव से निकल कर, कोई मुझे सुन रहा है गांव में रहता है, गांव से निकल कर शहर में आकर बसना चाहता है लेकिन डरता है, मेरे भाई आप खुश हो जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आपको शहर ही में बसाने के लिए जा रहा है, आपका परिवार शहर में बसेगा, आपके बच्चे शहर में बचेंगे यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर की योजना है, आप बेधड़क होकर शहर में आए, परमेश्वर आपके साथ है। ईदा बाला शका लरखन दीबी। किसी की जेब से 1800 रुपए, ठीक 1800 रुपए चोरी हुए हैं, कमीज की जेब से उसके घर से 1800 रुपया निकला है,
यीशु मसीह के नाम से ये 1800 रुपया वापस आपको अपने घर में ही किसी दूसरी जगह पर मिलेगा। निकालने वाले पैसा अलग जगह पर रख दिया है, आपके घर में आपको 1800 रुपया आपका वापस मिलने के लिए जा रहा है। आप परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये निश्चित रूप से 1800 रुपये आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे। परमेश्वर इसको वापस करा चुका यीशु मसीह के नाम से। हिदा वाला शक्का लराबा, किसी को एलर्जी है, शरीर पर एलर्जी है, इसकी ने खाद खुजली रेसे, ऐसे होता है, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, ये शराब आपके ऊपर से समझ ग्राम में नष्ट होकर मिट रहा है। हिदा वाला शक्का हदा, पवित्र आत्मा स्लीपिंग डिस्टर्बेंस रहता है। कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस बहुत है, कभी कभी तो पूरी रात नींद नहीं आती है, और कोई एक है जो 2 बजे तक ही सो पाता, 2 बजे के बाद उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आती, दुष्ट आत्मा का काम है। मेरे भाई, आज से ये दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जा रही है उसके नाम से, और 2 बजे के बाद भी आप ठीक ठीक सोया करेंगे, एक बेहतरीन नींद परमेश्वर आपको दे रहा है। हिदा वाला शिकी खदब कला रखन दबा, प्रभु एक एक को आशीष दे, इनके कारोबार खुले इस मसीह के नाम से, इनके घर में बरकतें आए इस मसीह के नाम से। जीसस, किसी के पेट में तकलीफ थी और मुझे सुन रहा था, प्रार्थना में मुझे सुन रहा है, और आपके पेट की तकलीफ जा चुके, आपके पेट की तकलीफ बिल्कुल खत्म हो चुके हैं इस मसीह नासर के नाम से। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। हिदा खा लखन तबा खदा वाला राबा, हिदा वाला राबा, कोई मुझे सुन रहा है, सुनार की दुकान है उसकी, सोने की दुकान है, आप कुछ बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, इस तरह की दुकान आपकी है, और आपकी दुकान बहुत घाटे में चली, मतलब आपकी दुकान चल ही नहीं रही, मजबूरन बस आप वहाँ बैठते हैं और कुछ भी नहीं कमाते हैं। एक शराब है, एक दुष्ट आत्मा है जो आपके इस बिजनेस को बंद किए, लेकिन ध्यान से सुने, विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपके ऊपर छा रहा है, और ये शराब आपके बिजनेस से इस मसीह के नाम में नष्ट होकर मिट रहा है। प्रभु यीशु आपके इस बिजनेस को, कारोबार को आशीष दे रहा है, और आपकी दुकान चलने लगेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। प्रभु इन सबको आशीष दे, इनके बच्चे आशीषित हो, इनके परिवार आशीषित हो इस मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, तूने इन सब की बाबत दुआ को सुना, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।